अपील करता हूँ, आप लोग भी एक अभियान चलाइए कि जो कपड़े के व्यापारी एक दौर में चले गए थे भागलपुर छोड़ के, अब उनको कह रहा हूँ अब तो लौट के आइए बिहार में। उन लोगों को भी जो आएंगे, जो लोग चले गए, उनको पूरा जमीन की मदद नहीं, उसका एक रेंट पर हम वो जगह उपलब्ध करा देंगे। तो 1,000 मशीन लगाएंगे, 2,000 मशीन लगाएंगे, 3,000 मशीन लगाएंगे और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो रोजगार की असीम संभावनाएं होंगी। ये जो आज का दिन है, ये भागलपुर के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन एक बड़ा उपलब्धि हम आपको बता रहे हैं। एक तो पॉलिटेक्निक दे रहे हैं, जो टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक होगा। हमने सीपेट दिया जो 40 करोड़ की लागत से बन रहा है। दूसरा टेक्सटाइल पॉलिटेक्निक दिया। तीसरा 80 करोड़ की लागत से 3.5 लाख स्क्वायर फीट है प्लग एंड प्ले बनाएंगे, जिसमें जो भी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ आएंगे उनको तुरंत हम जगह उपलब्ध करा देंगे और कई बड़ी कंपनियों से बातचीत चल रही है। उद्यम योजना का लाभ मिलेगा क्या? जो नए लोग हैं वो अगर लेना, नए लोगों को भी मिलेगा, अभी जल्द निकलेगा। जो पुराने लोग हैं उसमें कई लोगों ने एकल काम के लिए किया था, जैसे कोई कह रहा टैक्सी ले तो अकेला ही काम रोजगार मिलेगा उसको। हम लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो उद्यमी बनाए। ऐसा ट्रेड हमने दिया है, 49 ट्रेड चुना है जिसमें टेक्सटाइल है, फूड प्रोसेसिंग है, और तुरंत वो चेंज करेंगे ट्रेड। करीब 5,000 लोगों ने ट्रेड चेंज भी कर लिया है और हम उनको मॉडल एस्टिमेट बना के दे रहे हैं। 60% प्लांट एंड मशीनरी पे खर्च करे, 40% वो कैपिटल रखे तो रोजगार दे सकता है। अब जो नया उद्यमी निकलेगा उसको जो बिहार में हो सकता है उसी से जोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा रोजगार पैदा करें, इसके लिए काम करें। इलाके में जो तालाब का इलाका है, मुख्यमंत्री जी आए थे तो वहाँ गए, तो सिग्नेटरी टूरिज्म चल पड़े हैं, आर्किटेक्ट भी साथ में है, वो इलाके को हम खुद दिखवाएंगे। मैं इसकी पायलटिंग कर रहा हूँ। कई बजे तो बाहर से निकले हैं, तो कई बजे जब पहुंचेंगे तभी। आप लोग यहाँ के DM भी रहे हैं, आप लोग भी अगर चरणकर्मी तो हम लोग तो बहुत मेहनत करते ही हैं। आप लोग भी ऑफिस से अगर निकल पाएंगे तो अच्छा रहेगा। बगल में ही आपके वो शाहजंगी के तालाब को वर्ल्ड क्लास बनाना, स्मार्ट सिटी में सारा काम यहीं पे हो रहा है, दक्षिणी खंड में कोई काम नहीं हो रहा। हमने स्मार्ट सिटी का भी बैठक किशोर जी से बातचीत करेंगे, जल्द कराएं। और शिवरात्रि मेला के उद्घाटन समारोह में सारे मंत्रीगण आ रहे हैं, उसमें मैं भी भागलपुर के होने के नाते वहाँ पे शामिल हूँ।